दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर पे हवा चाहिए, उनके दामन के हमारे पास नहीं होगा। पुराना माल सब हमारे पास सदा नहीं है, नया वाले तो हाँ वही माल है। सही फरमाया आपने, है नहीं? और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम जी का फैजान है सुभान अल्लाह कि आज भी मैं खंड खंड दो घंटा खिताब करता हूँ तो हमारी ताकत क्या है जिसम के आप देख ही रहे। लेकिन फैजान एक अलग चीज है, खुदा जिसे तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। इरफान मोहब्बत आम तो है, फैजान मोहब्बत आम 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 फैजान मोहब्बत आम नहीं। तो मैं क्या कर रहा था, भूल गया। मदीना देखेंगे पुरबो जवार देखेंगे, मदीना देखेंगे पुरबो जवार देखेंगे, अरे चमन नबी का नबी का दयार देखेंगे, अरे चमन नबी का नबी का दयार देखेंगे। और वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, अरे समसम से वापस हो, वो दिन भी आएगा, अरे समसम से वापस हो कर हुजूर हम भी आपका मजार देखेंगे, हुजूर हम भी आपका मजार देखेंगे, अरे चमन नबी का नबी का दयार देखेंगे। ऐ मुसलमानों, जब एक मुर्दे को बिना देखे हुए सलाम किया जा सकता है, खड़े होकर सलाम किया जा सकता है, तो हम अपने नबी को बिना देखे और खड़े होकर क्यों नहीं? जो कहे खड़े होकर न करो उसका मुंह नोच लो। क्यों? कहना कि बताओ तू कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम करते हो, क्यों नहीं करते हो? और हाल उनका ये है कि उधर से वो आ रहे हैं, इधर से ये जा रहे हैं, कहा सलाम वालेकुम, वो भी खड़े, ये भी खड़े। अरे जब ये माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार खेशो अकरबा को जब तुम खड़े होकर सलाम कर सकते हो तो हम अपने नबी को खड़े होकर क्यों नहीं सलाम कर सकते? जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिल बारी व सल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या कासम अल्लाह। कितना टाइम हुआ? ट्रेन भी पकड़नी है यार, 3 बजे वाला तो तकरीर खत्म होने वाली है। कभी आऊंगा तकरीर बाकी रही हमारी भाई भाई, है ना? दो ये कलमा से कुछ हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैंने गुलाम रहमानी से कहा कि हम लोगों को जाना है, हम लोग लोग बेबस है, बड़े कुछ लोग बस से आए, हम लोग बेबस अपनी सवारी से, हम लोग तो दूसरी की सवारी, दूसरी सवारी से इंतजार है। लेकिन और से सुनिए, मैंने हदीस रसूल पेश किया है, आखिरी बात सुन लीजिए, तकरीर बाकी रही सुभान अल्लाह। उठाइए मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 195 अन सलमान अल फारसी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد القضاء الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر। आका फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी से रवायत है कि दोनों जहान के आका ने इरशाद फरमाया, दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से। और कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका करते रहना, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। एक सदका आम है और एक सदका जारिया है। क्या नाम है मस्जिद का? जल्दी से बोलो ना भाई भाई, क्या? हुजूर शाह तेग अली अलैहि रहमतुल रिजवान सुभान अल्लाह। क्या खिदमत दीन मसलक आला हजरत का काम किया, और मैंने तारीख भी पढ़ा कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बड़ी बड़ी फतवा और मोहब्बत रखते थे। मैंने किताब में मुताला किया है, हो रही है हर तरफ, अरे हो रही है हर तरफ तेरे अली की निद
रहते अरे बोल दो ना तड़ तड़ सुभान अल्लाह उनके नाम पर भी तो एक नारा लगा दो यार कम से कम हुजूर शाह के गली की रूह भी खुश हो जाए लगा दिए एक आदमी खड़े होकर अल्लाह हू अकबर बुलंद आवाज से जाएंगे जाएंगे मंजिल तक मुफ्ती आजम इनका करम होगा पहुंच जाएंगे अरे हो रही है हर तरफ हो रही है हर तरफ अरे तेरे अली की मिदहते अरे अर्द सुरकाही से लेकर खाक मारी पूर तक 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 अर अर्द सुरकाही से लेकर खाक मारी पूर तक 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 मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत का फैजान है कि आज ये इलाका सुन्नियत सुन्नियत पर कायम और दायम है अगर हुजूर शाह तेग अली नहीं होते इस इलाके का क्या हाल होता ये तो हजरत का करम है सुभान अल्लाह बोलो अल्लाह के वली जहां ले जाए जिस इलाके में चले जाए वहां के लोग फैजयाब होते हैं सुभान अल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है जितने भी अल्लाह के वली हैं सबसे हम और रखना भी चाहिए शर्त यह है कि वो बाकी ये रसूल ना हो नए से पीर को हम पीर नहीं समझते फैज समझते हैं बोलो ना भाई और जो मेरे नबी की उल्फत और मोहब्बत अपने सीने में जमा औलिया इकराम बुजुर्गादीन की अकीदत रखे तो समझिए वो असल में पीर है सुन्नत रसूल के मुताबिक हो इल्म हो सिलसिला मिलता हो बेनमाजी ना हो वरना आज क्या है 10-10 अंगूठी पहने क्या है पीर साहब एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे कहते थे पीर साहब ए मुसलमानों पीर कैसा होना चाहिए सुभान अल्लाह पीर हो तो हुजूर शाह तेग अली जैसा हो पीर हो तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद जैसा हो पीर हो तो ताजुल शरिया जैसा हो पीर हो तो हुज्जतुल इस्लाम जैसा हो पीर हो तो हाफिज़े मिल्लत जैसा हो पीर हो तो मुफ्ती आजम हिंद जैसा हो पीर हो तो मुजाहिदे मिल्लत जैसा हो पीर हो तो मखदूम मरहरा जैसा हो पीर हो तो आला हजरत जैसा हो ऐसे पीर की तलाश करो ऐसे जानशीन की तलाश करो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे रफीक अता फरमाए तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस मस्जिद की छत की ढलाई होने वाली है बोलिए ना भाई तो मैंने कहा कि सदका करते रहना सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है सुभान अल्लाह कैसा मौका आपको इनायत मैसर हुआ है कि आप मस्जिद में देंगे तो आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी बोलिए और दुआ करेंगे तो अल्लाह तकदीर को भी बदल देगा सुभान अल्लाह तो एक है आम सदका और एक है सदका जारिया आपने मस्जिद में एक पैसा लगा दिया एक बोरी सीमेंट दे दिया लोहे का छड़ लगा दिया तो ऐ मुसलमानों मैं आपको कहना यह चाहता हूँ ये सदका जारिया है मस्जिद बनवा दो सदसाए जारिया है मदरसा बनवा दो सदसाए जारिया है नल करवा दो सदसाए जारिया है मुसाफिर खाना बना दो ये सदसाए जारिया है तो ऐ मुसलमानों सारा सामान यही रह जाएगा आप कहते हैं ये जमीन हमारी है ये मकान हमारा है ये दुकान हमारी है लेकिन उठाओ बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 228 की एक हदीस सुनो आका फरमाते हैं फालम अनमल अर्ध लिल्लाह वल रसूलिह जान लो ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है अगर आपकी होती तो मरने के बाद जमीन साथ ले जाते मकान साथ ले जाते ऐ मुसलमानों मकान दुकान साथ ले जाते लेकिन मरने के बाद खाली हाथ जाते हैं सुनो मुसलमानों मुहैया जो सब सामान मुल्की और माली थे अरे सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली तो मस्जिद के लिए सदका जारिया है मर भी जाओगे तो सवाब मिलता है अच्छा एक हदीस मैं सुना देता हूँ गौर से सुनिए उठाइए इसका शरीफ जिल्द अव्वल पल सफा 77 बाबुल मसाजिद अन अबी हुरैरा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا مررتم برياض الجنه فارفعوا قيل ما رياض الجنه قال المساجد قال مرت يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر तड़प के बोलिए ना सुभान अल्लाह
बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ मुसलमानों, बैंक बैलेंस न करो, मस्जिद में लगाओ। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, और कबूल है ही, बोलो ना, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि दोनों जहान के आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत की यारों से गुजरो तो कुशर लिया करो, अपनी ग़िज़ा हासिल करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, मां रियाज़ुल जन्नत, ऐ अल्लाह के हबीब, जन्नत की क्यारी क्या चीज है? तो आका ने फरमाया, क़ालल मसाजिदो, इस रूए जमीन पर जितनी भी मस्जिदें हैं ये सब जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब अगर कोई मुसलमान एक पैसा मस्जिद में लगाता है तो जन्नत की क्यारियों की तामीर के लिए लगा रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर मस्जिद में कयाम करते हो तो जन्नत की क्यारियों में कयाम करते हो, अगर मस्जिद में सजदा करते हो तो जन्नत की क्यारियों में सजदा करते हो, अगर मस्जिद में तस्बीह तहलील पढ़ते हो तो जन्नत की क्यारियों में तस्बीह तहलील पढ़ते हो, अगर मस्जिद में कुरान की तिलावत करते हो तो जन्नत की क्यारियों में कुरान की तिलावत कर रहे हो। शायर कहता है, यही इम्तियाज भाई इधर देखे, वो क्या देखे, वो तो बार बार देखेंगे, देखने से तो बहुत नुकसान। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। अरे चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। अरे चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। अपने से बड़ों की जो बात करता है धोखा खाता है। बोलिए बोलिए, इनसे मैंने क्या कहा, लेकिन इसका उल्टा किया, इसे काम नुकसान हुआ हुआ, वरना आज मैं तेरी मस्जिद का कुछ काम करता। अपना मजमा था काम हो जाता, लेकिन ये तो गुलाम रब्बानी है ना। बोलो ना, इंशाअल्लाह हमारी तकरीर का हिस्सा बाकी रहा। आका ने क्या फरमाया, दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है, और कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका करते रहना, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। सदका जारिया चालू है, इसमें हिस्सा ले लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना याद रखो मुसलमानों को कफे अफसोस मलोगे, और आपने अगर सदका जारिया कर लिया, नेक काम करके कब्र में गए, तो शायर कहता है, कैसे मैं कह दूं के कब अच्छा एक बात बताइए, कल कयामत का दिन आएगा, कौन से रास्ते से गुजरेंगे? बोलो ना, तो मस्जिद जितने नमाजी होंगे सोचें कैसे गुजरेंगे। बोले ना भाई, कश्ती की शक्ल में आएगी, उसी में बैठ जाएंगे, सब बेड़ा सबका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो ना भाई, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, जरा सा बताओ, हमारे भाई इम्तियाज साहब अभी भी बता रहे हैं कि बताइए ना, हैं हैं क्या क्या मुमताज, मुमताज मुमताज की बात, मुमताज है तो हर चीज में मुमताज, अल्लाह और मुमताज। हजरात, खैर उधर जाना नहीं है, मैं उधर तस्वीर नहीं करना चाहता हूँ, उधर जाना चाहता हूँ। जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था उसे आप समझिए, एक झलक मैं चाहता हूँ कि दे दूँ आपको। जन्नत कहाँ है आपको मालूम है? जल्दी से बोलिए। नहीं मालूम, बस मुसलमान है, जन्नत 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 जन्नत। आज हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि रब राजी हो जाए, रोजा इसलिए रखते हैं कि रब राजी हो जाए, ज़कात इसलिए देते हैं कि रब राजी हो जाए, हज इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए, कुरान की तिलावत इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए, हदीसे रसूल इसलिए पढ़ते हैं कि रब राजी हो जाए, नेक काम इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए। सारी दुनिया रब की रजा चाहती है, और रब अपने महबूब की रजा चाहता है, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं, हदीसे कुदसी है, हदीसे कुदसी सुनिए, कुल्लुहुम युतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मोहम्मद, सारी दुनिया रब की रजा चाहती है, और रब अपने महबूब की रजा चाहता है।
आला फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मत एक हल्की सी झलक बता दूं ताकि आपके जहन में रह जाए। आप ये कहेंगे मौलाना ये नहीं बताया कि जन्नत कहाँ है, जन्नत सातो आसमान के ऊपर है। बोलिए बोलिए जन्नत कहाँ है? अरे बोलिए ना, डर का लग सातो आसमान के ऊपर है और जहन्नम कहाँ है? बस वो पता था सातों तबक जमीन कहाँ है? जन्नत के दरवाजे का नाम रिजवान है। बोलिए ना क्या नाम है? रिजवान है। और जहन्नम के दरवाजे का नाम मालिक। क्या नाम है? मालिक है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस का हकदार हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला बना दे। जितने लोग यहाँ हाजिर आए हैं सब लोग एक मर्तबा तौबा इस्तिगफार कर लिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और आलमगीर शाह बाबा का फयूज़ व बरकात हम सब पे जारी और सारी फरमाए। तमाम बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन की उल्फत व मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीने में जमा दे और नेक अमल करने की अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक इनायत फरमाए और अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। इंशाअल्लाह आप आबाद रहोगे, यहाँ भी आबाद रहोगे, कब्र की मंजिल में भी आबाद रहोगे, महशर के मैदान में भी आबाद रहोगे। खड़े हो जाओ।